अरावली के पहाड़ियों की गोद में बसा गांव मोहब्बताबाद इन दिनों काफी चर्चाओं में है। बता दें कि गांव के झरने वाले मंदिर में एक झरना है जिसका स्वरूप इस बरसाती दिनों में दोबारा लौट आया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर का भी इतिहास महाभारत काल और श्रवण काल से जुड़ा हुआ है। यहां के पुजारी और ग्रामीणों ने बताया कि यह मंदिर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की तपो स्थली रहा है। दिखाई दे रहा यह वही झरना है जो इन दिनों काफी चर्चाओं में है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। बता दें कि यह झरना फरीदाबाद के अरावली की गोद में बसे गांव मोहब्बताबाद में स्थित एक प्राचीन मंदिर में गिर रहा है, जहां लोग इस झरने को देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं और यहां आकर झरने के नीचे नहाकर मौज मस्ती भी कर रही हैं। यह झरना यहां मंदिर लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहां के पुजारी और ग्रामीणों ने इस मंदिर और इस झरने के बारे में बताते हुए कहा कि यह मंदिर काफी प्राचीन है और तभी से यह झरना बह रहा है। लेकिन ग्रामीण लक्ष्मी चंद ने बताया कि पहले यह झरना 12 महीने गिरता था, लेकिन अरावली में हुए अवैध खनन और कम हो रही बरसात के चलते यह झरना अब केवल बरसाती मौसम में ही बहता है। वहीं उनके मुताबिक यहां पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। यहां श्रवण कुमार भी आकर रुके थे और महाभारत काल में पांडव भी आए थे, जिनके तप से यहां यह झरना बहने लगा था और यहां उन्हीं के द्वारा 7 कुंड बनाए गए थे। फिलहाल काफी गहरे होने के चलते उन सभी कुंडों को बंद कर दिया गया है और एक कृत्रिम कुंड बनाया गया है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है ग्रामीणों और यहां के पुजारी का। मेरा नाम लक्ष्मी चंद है। नहीं ये नहीं, ये तो आदिकाल से इससे ज्यादा पानी पहले बहता था महाराज। ये तो झरना ही है, ऋषि की जगह है, तपोस्थल है, ये कोई पर्यटक स्थल थोड़ी है। ये तो कंटिन्यू झरना तो झरता ही है। ऐसा गर्मी में थोड़ा जैसा बारिश कम हो रही है, 10 साल में बारिश अब फालतू हुई है, बारिश नहीं हो रही तो झरना कम था, नीचे बह रहा था। बाकी कुंड तो हम ये कोरोना के चक्कर में ये पानी वानी आते प्रशासन ने इन्हें खत्म करवा दिया था कि लोग इकट्ठे ना हों। मैं तो क्या हूँ भैया, किसी को पता ही नहीं है तो बह रहे यार। हम तो गए ही ना कहीं, जब वैसे घूमने को वैसे कहीं चले थे। तक बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं है, 10-12 फुट की है, बाकायदा पत्थर लेकर के ऐसी पोजिशन में चलते पोजिशन में है। मैं आपको अपनी आँखों से, आपकी आँखों से दिखाऊंगा मूर्ति। अभी महाराज जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनका झरना है, झरना वाला जिसको हम कहते हैं, उनकी तस्वीर पत्थरों में बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं है, प्राकृतिक छवि है। शेष नाग भी ढूंढे है, ढूंढे में पत्थर है, अदर शिला के ऊपर शेष नाग पत्थर है, लेकिन आप देखो तो शेष नाग खड़े। तो जब ऋषि की तपोशक्ति है तो जरूर यहाँ पर ये हमारे इष्ट देव विराजमान है। बिल्कुल, ऋषि के पास यहाँ आते होंगे, मिलते होंगे, वो यहाँ पर हम तो मानते हैं। राजकुमार शर्मा फरीदाबाद में रहते हैं और यहाँ जो है ना ये प्राचीन आदिकाल की जो है ना उद्यालक मुनि जी की तपोभूमि है। वेद व्यास जी इससे बिल्कुल साथ में जो है ना प्रसन्न मंदिर है और समकालीन ऋषि जो है ना हुए हैं वेद व्यास जी, और वो उनकी तपोभूमि है। यहाँ से और वहाँ तक सुरंग होती थी, सुरंग से ही जो सुबह पूरा जंगल था तो सुरंग से ही जो ना आपस में संत जो ना आवागमन करते थे। ये 88,000 साल जो ना यहाँ तपस्या की है उद्यालक मुनि ने, और बहुत प्राचीन रमणीक जगह है। पूरा मेला भरता है, काफ़ी यहाँ 12 गांव बढ़ाने में जो ना पूरा हर मेले पे जो है ना बहुत भीड़ होती है।